22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अयोध्या में जोरों पर हैं। और इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसके लिए इंतजाम भी पूरी तरह से मुकम्मल कर दिए गए। पीएम कल अयोध्या में कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस बीच पीएम एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने के साथ ही रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए पंडाल भी बनकर के तैयार है और पूरे अयोध्या धाम में पोस्टर लगाए गए हैं। पीएम के कल के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। कल के कार्यक्रम से पहले पूरी अयोध्या को किले में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी देखी जा रही है, जिसमें कि एनएसजी के कमांडो से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे। अयोध्या के नए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पीएम का विमान उतरेगा, जहां से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक पीएम का रोड शो होगा। प्रधानमंत्री का रोड शो कहां कहां से गुजरेगा, इस दौरान क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पूरे रूट पर से सही जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। कहां पर क्या चीजें चल रही हैं? तो अमित, इस समय हम धर्म पथ है पर है और ये बताए कि इसकी महत्वता क्या है। देखिये, इस वक्त हम धर्मपथ पर हैं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की शुरुआत होगी। और ये जो रोड शो है इसी रास्ते से धर्मपथ से होकर जाएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो यहीं से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, इस धर्मपथ से ही क्यों शुरुआत कर। पहले मैं एक नजर आपको दिखाऊं तो ये जो आप सड़क देख पा रहे हैं इस वक्त, ये पहले बहुत सकड़ी बहुत पतली हुआ करती थी, लेकिन अभी देखिए इस वक्त जो है फुटपाथ यहाँ पर बना दिया गया है। हर तरफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, यहाँ प्रतिमाएं बनाई गई हैं, इसको भव्य बनाया गया, दिव्य बनाया गया, अलौकिक बनाया गया, सुंदर बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से सैलानी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, पहले जब अयोध्या थी तो उस दौरान फैजाबाद शहर से होकर उन्हें राम मंदिर जाना पड़ता था और उस वक्त उन्हें जाम का शिकार होना पड़ता था, बहुत ज्यादा जाम हुआ करता था। लेकिन अब जो है इस सड़क से जब हम सैलानी आएंगे तो उन्हें जाम का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो कहीं बताया कि ये जो रोड है ये धर्मपथ है, ये पहले इसकी स्थिति क्या हुआ करती थी और ये देखिए जो बैरिकेडिंग की गई है इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए दोनों किनारे पर है, होर्डिंग भी लगाई गई है, तो प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यहां का दौरा भी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम धर्म की पथ के महत्व के बारे में बता ले। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रोड शो इनका निकलेगा तो जाहिर तौर पे इस सड़क से रोड शो उनका जाएगा और दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है ताकि पब्लिक जो है सड़क पर ना आए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को लगातार तैनात किया गया। ये सब सड़क थी, पहले इस तरीके की ये सड़क नहीं हुआ करती थी और जो 2017 से पहले इस पर काम शुरू हुआ और उसके बाद इस सड़क को का पूरा चौड़ीकरण कर दिया गया, भव्य बना दिया गया है और आप हर तरफ आप देख पाएंगे कि अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या तो इस तरीके से लिखा हुआ है। यानी अयोध्या में एंट्री का यही सड़क है और प्रधानमंत्री अपने रोड शो के जरिए पूरे देश को यह मैसेज देंगे कि हाँ धर्मपथ इसका नाम दिया गया है। धर्मपथ से आगे जाके लता मंगेशकर चौक पे जाके मिलेगा और फिर लता मंगेशकर चौक जो है वो रामपथ से मिलेगा, जो वही रामपथ जो है सीधे आपको भगवान श्री राम के दिव्य नव्य अलौकिक मंदिर में लेकर जाएगा। लता मंगेशकर चौक भी बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है क्योंकि सुर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर है, वहां पर भव्य बीड़ा भी स्थापित किया गया है और उसको सजाया भी जा रहा है। बिल्कुल उसको सजाया भी जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक तस्वीर हम दिखा दें, देखिए ये रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। पहले ये रेलवे स्टेशन इस तरीके से नहीं था, लेकिन जब अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई, अभी हाल में अभी चल रही है 32,000 करोड़ की परियोजना, तो उसी में इसका भी नवीनीकरण किया गया, इस हॉल्ट स्टेशन का भी नवीनीकरण किया गया और इसको सजाया गया, संवारा गया और यहाँ पर देखिए पहले जैसे यहाँ लिखा हुआ वेलकम टू रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन, पहले तरीके से नहीं लिखा हुआ था। और अभी देखिए मैं आपको दिखाऊं तो धर्मपथ के एक तरफ यहाँ पर रेलवे की ऑफिस है, इसको अभी और नवीनीकरण इसका किया जा रहा है और जाहिर तौर पे जो डेडलाइन है डेडलाइन से पहले ये तैयार कर लिए जाएंगे और हर जगह आप देख सकते हैं कि भगवान राम के पोस्टर्स लगाए गए। अब धर्मपथ पर 40 ऐसे स्तंभ लगाए गए हैं, पिलर्स लगाए गए हैं, वो उन पिलर्स पर सूर्य की का आकार दिया गया, यानी सूर्य
देखिए एक सूर्य स्तंभ है और वो सोलर से एकदम निर्मित है और सूर्य की किरणों से वो जलेंगे। अब देखो उसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कहाँ पहुंचे, धर्मपथ पे ही पंचकोसी मार्ग पे पहुंचे हैं। ये जो स्पॉट है ये पंचकोसी मार्ग है, जो श्रद्धालु यहीं से आके सफर करते हैं और पंचकोसी मार्ग और आगे इधर कारसेवकपुरम है, तो इसी बैकुंठ धाम का ये रास्ता जाता है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पंचकोसी मार्ग के जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के अंदर जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उस भक्ति को इससे आप इस रोड शो के रूट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पंचकोसी मार्ग को टच करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ जा रहे हैं। और भाई कल प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं, या कई परियोजनाओं का लोकार्पण वो करेंगे। और प्रधानमंत्री पहुंचे उसके ठीक पहले सुरक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोई भी चूक ना हो जाए इसके लिए पीएम के पूरे रूट पर मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा की समीक्षा की गई। अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या धाम तक का जो पूरा रूट है उसके ऊपर सुरक्षा का रिहर्सल आज किया गया और आज होने वाले रिहर्सल को ठीक उसी तरह से किया गया जैसे कि कल पीएम के अयोध्या पहुंचने पर सुरक्षा के इंतजाम रहने वाले हैं। और वही अयोध्या में एक साथ दो दो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। पहले चरण में कल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी है, जबकि तैयारियों का दूसरा चरण 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का है। अयोध्या में प्रवेश द्वार सजकर पूरी तरह तैयार है, यहां 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। उधर कार्यक्रम के लिए पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया जा रहा है, हर तरफ सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। वहीं अपने यहां आने वाले मेहमानों के लिए भी अयोध्या सजकर तैयार है। मेहमानों के रहने का इंतजाम ऐसा है कि आने और जाने की कभी आप पहले अयोध्या में ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए हर तरफ पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। उद्घाटन से पहले ही अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी हुई हर चीजों की डिमांड अब बढ़ती दिखाई दे रही है और उसमें सबसे खास बात यह है राम मंदिर का मॉडल, श्रद्धालुओं में राम मंदिर के मॉडल को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। हर कोई राम मंदिर का मॉडल अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता है, याद के रूप में, प्रतीक के रूप में। वही अयोध्या के बाजारों में राम मंदिर के चाबी रिंग की भी बिक्री ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मंदिर लोगों को इतना लुभा रहा है कि लोग शीशे का, लाइटिंग वाला, पत्थर वाला, ये सारे मंदिर जो है, ये मंदिर मॉडल लोग अपने घर तक ले जा रहे हैं, बड़े शौक से ले जा रहे हैं। आजकल इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसकी खपत व्यापारियों में नहीं हो पा रही है और ये आने वाले समय में इसका और भी तेजी से मतलब ये मांग बढ़ेगी। और ये उत्साह, ये उमंग सिर्फ अयोध्या, उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी देखा जा रहा है। नेपाल से भी एक कलश शोभा यात्रा निकली और गोरखपुर तक इस वक्त वो पहुंच चुकी है। यहाँ के गोरखनाथ मंदिर में शोभा यात्रा के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नेपाल से निकली ये कलश शोभा यात्रा गोरखपुर से होते हुए अयोध्या जाएगी और 22 जनवरी को नेपाल की पवित्र नदियों से लाए गए जल से प्रभु श्री राम का जलाभिषेक यहाँ किया जाएगा। हम नेपाल वासियों ने भी कुछ करने की कोशिश की, तो यही पूर्व से लेकर पश्चिम, जो कि ये मेची से लेकर महाकाल नदी तक काफ़ी सारी नदियां हैं, बिमला, कमला, सेती नदी, दूध कोसी, हमारे देवघाट का है, आर्य घाट का है, हमारे वो बरहा क्षेत्र का है, बहुत सारे काली गंडक की जीत शिलान्यास भी हम लोग का यहाँ नेपाल के से आया था, जो प्रभु लला का मूर्ति बनाने के लिए आया था, उस नदी का भी जल है इसमें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज दूसरे दिन भी बड़ी बैठक हुई और बैठक में गर्भगृह में रामलला की आखिर कौन सी मूर्ति स्थापित की जाएगी इस पर भी चर्चा हुई है। बैठक के लिए ट्रस्ट के सभी 15 सदस्यों को बुलाया गया था। इससे पहले बैठक के पहले दिन कल 22 जनवरी के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई थी। पूरे अयोध्या शहर को फूलों से सजाया जा रहा है और सजावट की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। देश के कोने कोने से कई किलो फूल मंगाए गए हैं, जिनसे सैकड़ों कर्मचारी फूलों की माला और देवी देवताओं की आकृति बना रहे हैं। यहां तक कि विदेशों से भी फूल मंगवाए गए। थाईलैंड से एक खास तरह का फूल मंगवाया गया है जो श्री राम की नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा।